बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का जो नया टॉपिक है मेनिनजाइटिस हेल्थ फॉर सेमेस्टर के लिए ठीक है व्हाट इज मेनिनजाइटिस ठीक है मेनिनजाइटिस इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस जब मेनिंजेस को इन्फ्लेमेशन होता है ठीक है इन्फेक्शन होता है फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इसको पर क्या कहते हैं मेनिनजाइटिस ठीक है मेनिंजेस कहाँ पे है ब्रेन के ऊपर एक पर्दा है आप लोगों ने नर्व में स्टडी किया है कि ब्रेन के ऊपर एक पर्दा है मेम्ब्रेन है ठीक है और जब इसको क्या होता है इन्फेक्शन होता है तो इसको फिर मेनिनजाइटिस कहते हैं ठीक है एट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ठीक है अच्छा इसके काजेस क्या है हमारे साथ डिफरेंट काजेस हैं सबसे पहले इसमें बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस वायरल मेनिनजाइटिस एंड फंगल मेनिनजाइटिस ठीक है ये हमारे साथ काजेज है मेनिनजाइटिस का ठीक है हमारे साथ क्लिनिकल फीचर क्या है साइन सिम्टम क्या होगा अलामत क्या होगा ठीक है अलामत में सबसे पहले हमारे साथ जो है वो फीवर होगा ठीक है फीवर होगा हेडेक होगा ठीक है एंड वॉमिटिंग होगा नेक्स्ट स्टेफनेस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मेनिनजाइटिस में क्या होगा नेक्स्ट स्टेफनेस होगा जब हम इस तरह रोटेट करते हैं तो क्या होगा स्टेफ होगा सख्त होगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है फिर ये भी क्या है क्लिनिकल फीचर है लॉस ऑफ विजन और हियरिंग ये भी क्या है हमारे साथ मेनिनजाइटिस का क्लिनिकल फीचर अच्छा कैनिंग साइन एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट कास पेन जब हम नी जॉइंट को एक्सटेंशन करते हैं तो फिर क्या होता है दर्द होता है इसको कैनिंग साइन कहते हैं ठीक है हमारे साथ आगे जो फीचर है स्मॉल चाइल्ड में बच्चों में कौन सा अलामत होता है सबसे पहले दे रिफ्यूज टू फीड फीड को क्या करते हैं रिफ्यूज करते हैं ठीक है दे आर क्राइंग वो क्या करते हैं क्राई करते हैं कंटिन्यू हाई ग्रेड फीवर होता है इसमें फिर क्या होता है हाई ग्रेड फीवर होता है कॉम्प्लिकेशन क्या है मेनिनजाइटिस का सबसे पहले जो हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन है सेप्टिसीमिया सेप्टिसीमिया फिर अगर हमने टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो सेप्टिसीमिया आ सकता है ठीक है पूरी बॉडी इन्वॉल्व होता है फिर शॉक शॉक में पेशेंट जो है जा सकता है ठीक है ब्लाइंडनेस ये भी हमारे साथ कॉम्प्लिकेशन इनएबिलिटी टू स्पीक और फिर क्या होता है इनएबिलिटी टू बंदा जो पेशेंट है वो क्या स्पीकिंग नहीं कर सकता ठीक है तो ये हमारे साथ क्या है कॉम्प्लिकेशन है इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ क्या है सबसे पहले हम क्या करते हैं सीएसएफ टेस्ट करते हैं लैम्बर पंक्चर करते हैं ठीक है L4 और L5 से हम क्या करते हैं सीएसएफ निकालते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ हमारे साथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हम क्या करते हैं एलपी करते हैं लैम्बर पंक्चर करते हैं और उसे फ्लूइड का हम टेस्ट करते हैं ठीक है सीबीसी करते हैं केस में टीएलसी तो ज्यादा नहीं है ठीक है और हमारे साथ सीटी ब्रेन करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं तुरंत सीबीसी एंड सीटी ब्रेन करते हैं ठीक है इससे आगे हमारे साथ क्या है ट्रीटमेंट है मेनिनजाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है सबसे पहले हमारे साथ एंटीबायोटिक है हमने फीवर को कंट्रोल करना है ठीक है तो दाना फांसता फीवर की वजह से ना हो के झटके शुरू हो जाए फिट्स या सीजर शुरू हो जाए ठीक है तो हमने क्या करना है एंटीबायोटिक देना है गुड नर्सिंग केयर आप लोगों ने सेकंड नर्सिंग केयर करना है इसमें ठीक है ट्रीट वॉमिटिंग अगर वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग आप लोगों ने क्या करना है ट्रीट करना है इंजेक्शन डाइजीफार्म फॉर सीजर आप लोगों ने क्या करना है डाइजीफार्म देना है ठीक है किस चीज के लिए ताकि झटके ना आ जाए ठीक है अगर झटके हैं तो आप लोगों ने क्या करना है डाइजीफार्म देना है ठीक है आगे हमारे साथ एंटीबायोटिक थेरेपी है ये पूरा डिटेल से हम क्या करते हैं फिर एम्पीसिलिन और साथ में से ट्रैक्सोन दोनों एंटीबायोटिक पे डालते हैं पेशेंट और इसका फिर हम क्या करते हैं रिजल्ट देते हैं रिजल्ट देखते हैं कि इसका मतलब रिस्पॉन्स ठीक है कि नहीं इस एंटीबायोटिक के लिए ठीक नहीं हुआ तो फिर हम चेंज करते हैं तो ये हो गया हमारे साथ मेनिनजाइटिस थैंक यू